Assalamu alaikum for class. How are you all? Hope you are all good and staying at home, taking care of yourselves. Aaj hum padhenge apna second chapter, A Night in June. Theek hai? A Night in June is a poem about the nights of June. How the June has its night. Like in the month of June, how the nights are like. So let's start. Then sun has long been set. Is sun ko set hue bahut time guzar chuka hai. It has been a long time the sun has set. The stars are out by twos and threes. You can see here, it's a beautiful imagery of the poem by William Wordsworth, the poet of nature. Is called a poet of nature because he always has themes of aesthetic players in his poetry. Aesthetic players mean the player which you get from nature. So you can see here stars are out by twos and threes. The little birds are piping, yet piping means whistling, twittering or singing. Piping is the sound or the voice of birds which are whistling at night among the bushes and trees. Bushes कहते हैं thick plants को. ठीक है, bushes are thick plants and not very big one, although some are but not always. So they are thick plants and trees are also there. You can see a bird here. They are piping. There is a cuckoo and one or two thrushes. Thrushes it's a called type of bird. ठीक है, ये भी एक bird का name है. There is a cuckoo, a cook. It's also a bird. So poet is sharing his experience of listening the voices of different birds and in a night in June. ठीक है, ये June की night में कौन कौन से birds के हमें voices सुनने को मिलती हैं. And these are beautiful voices to listen and to hear anytime in the night. And a far off wind that rushes, that wind is blowing and it seems like it's far off wind. फार ऑफ विंड का मतलब है कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है या काफ़ी दूर से हवा चल रही है, हल्की हल्की तो हवा चलती जा रही है. कॉन्स्टेंट एयर इज देयर. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशिज, यू कैन सी है वाटरफॉल के पानी के जो स्ट्रीमिंग का साउंड है उसको गशिज बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पोर्स, फ्लड्स और स्ट्रीम्स. ठीक है, कि पानी के बहने की जो आवाज़ होती है उसको गशिज बोलते हैं. एंड द कोकोस सोवरन क्राई, सोवरन मीन अ क्राई which has a quality or superiority like a ruler. ठीक है, कि वो जितनी भी साइलेंस है जून की नाइट में उसको फील करने के लिए कुको क्राई करता है. ठीक है, उसकी क्योंकि वॉइस बहुत लाउड होती है ना, दैट्स वाई. एंड द कुकोस सोवरन क्राई फील्स ऑल द होलो ऑफ द स्काई, कि हमें स्काई पर जितना भी होलो होलोनेस नज़र आ रही होती है, जितना भी हमें खाली पर नज़र आ रहा है, यानी एक साइलेंस में, एक साइलेंट मोड में, एक कोको का क्राई जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है और वो जितनी भी साइलेंट होता है उसको फील कर देता है अपने क्राई से. हियर इज़ द नोट अबाउट द पोइट. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इंकरेज्ड टू रीड एंड मेमोराइज क्लासिक पोइट्री फ्रॉम अ यंग एज. ही बिगेन टू राइट हिज ओन पोइम्स व्हेन ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड. हिज पोइम्स बिकेम पॉपुलर इन हिज लाइफ टाइम एंड ही वॉज द पोइट लॉरेट फॉर द लास्ट 7 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. मैन ऑफ हिज पोइम्स आर अबाउट experiencing the beauty of natural world. ठीक है, पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द पोइम्स में हमें नेचर की ब्यूटी, उसकी इमेजरी और उसकी ही जो है सारी डिटेल्स, उसकी थीम्स, नेचुरल नेचर की थीम्स हमें पढ़ने को मिलती हैं. सो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं हुए थे, तो आपने होलोनेस का सिर्फ एम्प्टीनेस या साइलेंस लिखना है. इसके अलावा यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स मीनिंग ऑन अ नोटबुक. ठीक है, अपनी नोटबुक में आप इन वर्ड्स मीनिंग को लिखेंगे. एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. दिस इज नोटबुक वर्क, दिस वन टू. एंड हाउ आर द स्टार्स अपियरिंग इन द स्काई. द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई बाय टूज एंड थ्रीज. ठीक है, अपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट वन इज द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग यट. ये भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट. अगर कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन द ग्रुप.
but please follow the timings. The little birds are piping yet. This sentence means the birds are little, but they are piping. ठीक है, आपने यहाँ पर सो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट. इन आंसर्स में से कौन सा सही है? द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पाइपिंग. द बर्ड्स आर स्टिल पाइपिंग इवन दो इट इज लेट. द बर्ड्स आर पाइपिंग बट वॉट. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर देना है. दिस सेंटेंस मीन्स वॉट. ठीक है, तो ये थ्री ब्लॉक्स हैं, जो सही वाला आपने उसमें टिक करना है. What time of day is it? What are the birds piping? What kind of birds are mentioned in the poem? यहाँ पर आपने उन birds के names लिखने हैं जो poem में mention किए गए हैं. Note down the rhyming words in the poem. अब rhyming words क्या होते हैं? The words which sound same, like bird, curd, meat, feet, goat, hot. ठीक है, ये words rhyming हैं, लेकिन आपने अपनी poem में से select करने हैं. You have to find out the rhyming words from here. So just like trees and trees, 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 they are sounding same. ठीक है, so these are the rhyming words. So other words you have to find by yourself. So students, यहाँ पर भी एक rhyme की example है. ये देखें, set, met, debt, yet, get, eat, threat. अब यहाँ पर odd one out का मतलब है कि जो इसमें strange है, which is strange among these. तो first line, A वाली line में से हमें eat odd one out मिला है. The second one is about freeze, ease, peace, trees, freeze, peace, breeze. Everyone is ending at the sound z. ठीक है, हर किसी के end में z sound आ रहा है, लेकिन peace के end में नहीं आ रहा. सो ये odd one out है यहाँ पर. इसी तरह मैंने बाकी भी मेंशन कर दिए हैं, यू मे रीड आउट देम. यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वर्किंग विद वर्ड्स में यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो आपने मुझे फीडबैक देना है, अपना होमवर्क शो करना है, सेंड करना है ग्रुप में, एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स. अच्छा, यहाँ पर बाकी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो उनके लिए डिस्कशन ज़रूरी है. यू कांट गेट लाइक दैट कि मैं आपको यूँ ही लेक्चर दे दूँ और यू आप कर लेंगे. इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू. और यहाँ पर पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी है. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स भी यहाँ पर हमें पुट करने हैं. जो इजी है, अ बिट इजी फॉर यू, वो ये है कि आप वर्ब्स को करें. ठीक है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. आपने यहाँ पर वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, जस्ट लाइक लिव्ड. ठीक है, लिव्ड एक वर्ब है, यानी वर्ब अ वर्ड which shows an action in a sentence, जिससे हमें एक action नज़र आता है. इसी तरह आपने chopping, felt, इस तरह के, और इसके अलावा wanted, coming, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं. बाकी आपने इसमें से select करने हैं और उनको underline करना है. तो आज के हमारे lecture के लिए हमें इतना ही करना था. चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन they need more discussion. तो आप a night in June की मुझे feedback ज़रूर देंगे उसमें group में. आप words meaning, question answers and sentences, ये काम मुझे notebook पर आपका चाहिए. and don't forget to watch the full video, पूरी video देखें, lecture लाजमी सुने, और जितनी भी confusion हो, कोई भी question हो, आप openly पूछ लें group में. ठीक है, so Allah Hafiz till next video. Take care, stay home, and don't forget to pay attention to your studies. Don't ignore them. These lectures, these chapters won't be delivered again in the class. तो अब जो आपको करवाया जा रहा है इसको करें. और till the next video, Allah Hafiz.